If e raised power x plus y is equal to x into y, so that dy by dx is equal to y 1 minus x upon x y minus 1. ठीक है, तो देखिए e raised power x plus y is equal to कितना है, x into y. ये आपका क्या इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इसमें आपको फॉर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है. तो टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बे डिफरेंशिएट बोथ साइड. ठीक है, एंड देन सेपरेट डीवाई बाय डीएक्स एंड टर्म फ्री फ्रॉम डीवाई बाय डीएक्स ना. तो देखिए इसे क्या करते हैं, बोथ साइड हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इन बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एस ई रेट फॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एस एक्स इंटू वाई, है ना. तो ये जगह डी बाई डी टी ई रेट फॉर टी डी डी बाई डी एस इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन द रेस्ट ऑफ क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फिर प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना. तो ये जगह ई रेट फॉर टी डी बाई डी एस ऑफ टी is equal to x divided by dx plus y into 1. तो t की वैल्यू हम बैक कर दीजिए तो e रेट फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ t वैल्यू वापस कर दीजिए तो x प्लस वाई, है ना. e रेट फॉर t प्लस x प्लस वाई लिखेंगे. अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, बताओ, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस वाई, है ना. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई रेट फॉर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेट फॉर एक्स प्लस वाई फिर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस वाई, है ना. तो ई रेट फॉर एक्स प्लस वाई प्लस पर एक्स वाई लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, है ना, क्योंकि हमको मैं e का एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं देखा है. तो यहाँ पर एक्स वाई लिख दीजिए, एक्स वाई फिर प्लस एक्स वाई क्योंकि ई रेट फॉर एक्स प्लस वाई वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस वाई. अब इसको राइट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई चले कभी.